दोस्तों आम के पेड़ में आपने इस कीड़े को अक्सर देखा होगा। ये है मिलीबग, जिसे दहिया कीड़ा के नाम से जाना जाता है। ये कई तरह का होता है, कोई बड़े साइज का तो कोई छोटे साइज का। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक है। ये पौधे की नरम डाली से रस चूसते हैं, जिससे पौधे की बढ़वार तेजी से नहीं हो पाती। वैसे ये कीड़े पेड़ में पूरे साल देखा जाता है, लेकिन दिसंबर से लेकर मई महीने में पौधे में नया ग्रोथ आता है, इसीलिए इनका अटैक भी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसको अगर ठीक तरीके से रोकथाम ना किया जाए तो इसका संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिससे ये फल की क्वालिटी को डैमेज करते हैं। इससे बचने के लिए बरसात के बाद पेड़ की जड़ वाले एरिया को साफ करना होगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर के महीने में मिलीबाग के मादा कीट जमीन में अंडे देते हैं। अच्छे से निराई गुड़ाई और साफ सफाई करने से इनके अंडे खराब हो जाएंगे और इनका अटैक उतना देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका अटैक शुरू हो गया है तो शुरुआती अवस्था में आपको ढेर सारा चिट्टी मिलेगा, जो उन्हें फैलाने का काम करते हैं। चिट्टी मिलीबाग का मीठा मूत्र पीते हैं और उन्हें एक जगह से दूसरे जगह में फैलाते हैं, जिससे उनका संख्या पौधे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक टाइम ऐसा आता है पूरे पौधे में मिलीबाग भर जाते हैं और रस चूस के पूरे पौधे को डैमेज करते हैं। ज़्यादा अटैक होने पर आप केमिकली कंट्रोल करने के लिए प्रोपेक्स सुपर, जिसमें प्रोफेनोपॉस और साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन रहता है, 1.5 ml से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जैसे UPL का उलाला 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी में, या फिर बायर का कॉन्फिडर 1.5 ml प्रति लीटर डोज में स्प्रे करके इसका अच्छे से रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग 4 ml केरोसिन को प्रति लीटर पानी में मिला के, या फिर 5 ml शैम्पू और 1 ml डिश वॉश लिक्विड को प्रति लीटर पानी में मिलाकर भी स्प्रे करते हैं, जिसमें उनको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इसके अलावा आप बिना खर्चे में 10 पन्नी का 100 ml प्रति लीटर में स्प्रे करके इसका अच्छे से रोकथाम कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलीबग के अलावा और भी सकिंग पेस्ट के ऊपर अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा। 10 पन्नी कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो हम ऑलरेडी शेयर किए हैं, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।